चाय के साथ रस तो बहुत बार खाए होंगे, पर क्या कभी इन्हीं रस की मिठाई खाई है? अगर नहीं तो अब बना सकते हो। तो सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे एक गिलास दूध, फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, फिर 10 मिनट तक दूध को गाढ़ा कर लेंगे लो फ्लेम पर। थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और इसकी रबड़ी बन जाए। मैंने यहाँ एक गिलास दूध लिया है और 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा रबड़ी बनानी है तो दोनों चीज़ की क्वांटिटी डबल कर लो। दूध को गाढ़ा करने के लिए लिड से कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो चलो अब देखते हैं, 4 मिनट ही हुई है और दूध एकदम पक गया है और गाढ़ा हो गया है। एक बार इसको अच्छे से चलाकर देख लेते हैं। देखो रबड़ी रेडी है। इसको अब ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। अब प्रिपेयर करेंगे रस पर डालने के लिए शुगर सिरप। तो उसके लिए 1 गिलास पानी डालकर 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और अच्छी सी खुशबू के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। ये पाउडर बनाना बहुत इजी है, आपको बस इलायची मिक्सर जार में ग्राइंड करना है। ये महीनों तक आराम से चल जाता है। वे चाहे इसको चाय में या मिठाई में डालें, ये बहुत यूजफुल है। शुगर सिरप को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक हमारी शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लग जाती है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो अब देख लेते हैं, शुगर भी ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है, इसलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें एक तार आया है या नहीं। इसके लिए थोड़ी सी चाशनी को फिंगर पर लेकर देखना है। अगर ऐसा तार बन जाए तो मतलब ये शुगर सिरप मतलब चाशनी बनकर रेडी है। इसको उतार लेते हैं। अब आगे की प्रोसेस के लिए आपको एक ऐसा कोई भी डब्बा या कंटेनर लेना है। अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग उस पर रस रख लेना है। मैंने 3 रखे हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे 3 चम्मच शुगर सिरप, सारे में अच्छे से फैला कर डालना है। अब इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी चारों तरफ। देखो फर्स्ट लेयर तो हमारी रेडी हो गई है। अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना है सेकंड लेयर के लिए। पहले रस, फिर शुगर सिरप, फिर रबड़ी। सारी जगह अच्छे से स्प्रेड करना है और कॉर्नर्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब इसकी लेयर कितनी भी बना सकते हैं, मैंने बस 2 लेयर ही बनाई है। फिर इसकी डेकोरेशन के लिए डालना है भर भर कर ड्राई फ्रूट्स। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखो ये बनकर रेडी है और मैंने इसको नाम दिया है रस्क मलाई। इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दो 30 मिनट के लिए। वाह के टेस्ट आता है। ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अच्छी लगती है कि बाजार की मिठाई को टक्कर दे सकती है। आप भी बनाओ और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है।